एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ का लोकेशन जो भी है आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। आपको बता दें कि मैं यहाँ पे ना नानी यहाँ आई हुई हूँ और यहाँ पे बहुत सारे हमारे कजन्स हैं, उनके साथ हम मस्ती करेंगे। तो आप इस ब्लॉग पे बने रहिएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है, मतलब गाँव में अक्सर होता है, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे मतलब फ्लावर्स भी आपको मिल जाएंगे, मतलब हर जगह यहाँ पे हरियाली है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है आपको हम बता नहीं सकते। और सामने में अगर हम आपको दिखा दें तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे में कितना सारा पपीता है। ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पपीता यहाँ पे है। अभी पका नहीं है, सब कच्चा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आपको ना बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। ये नीचे में भी आपको पूरा उधर अढ़ोल का फूल मिल जाएगा और यहाँ पे पूरा खेती होती हुआ है। और आपको सामने में देख सकते हो आप कितना ज़्यादा, अभी और हम आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। उससे पहले आप दिखा दें, ये देखिए छोटी को, आ जाओ यहाँ पे, देख सकते हैं कितनी छोटी है। और भी यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मतलब गांव में ऐसा होता है ना कि हर जगह हरियाली हरियाली होती है। ये देखिए, और ये आपको यहाँ पे ना एक पेड़ है, अमरूद का पेड़ है। यहाँ पे अमरूद एक्चुअली अभी है नहीं, पका हुआ है ऊपर में। नींबू दिखे, देखिए कितना ज़्यादा नींबू है यहाँ पे, हटाओ कितना सारा नींबू है। ये देखिए नीचे में भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे, आपको हर एक चीज़ अच्छी मिल जाएगी। और कुछ यहाँ पे ना हरा हरा आपको एकदम, ये तो मुझे भी नहीं पता क्या है, ये आप देख सकते हैं। और इधर ये ना मटर लग रहा है, पता नहीं, मैं कभी का की नहीं हूँ ना, तो ये मटर आपको मिल जाएगा। हालांकि इसमें अभी मटर आया नहीं है। और ये देखो प्याज, यहाँ पे बहुत सारा कुछ है, मतलब आप कुछ भी चीज़ यहाँ से ले सकते। अगर मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, बैठी हुई हूँ अपने जो नानी मेरी यहाँ पे लगाई है। और भी वो जो सामने में आपको दिख रहा है ना, वो भी एक अमरूद का पेड़ है, वो भी मिल जाएगा। बाकी ये चीज़ बहुत प्यारा लग रहा है, क्या बताएं। चलिए और चलते हैं। और ये नींबू का पेड़ मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, और ये सब, और ये तो आप सबको पता होगा काउडंग केक है, कितना सारा ये पता है गाइस। ये यहाँ पे ना हमारे यहाँ इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप चले जाओगे कहीं हाईटेक सिटी में ना, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा रहता है। यहाँ पे सामने में भी आप देख सकते हो कितना ऊंचा है, वहाँ पे आपको फ्लावर मिल जाएगा हर तरफ कुछ ना कुछ। और वहाँ पे आप देखिए कुछ, वहाँ पे ना वो रुपाई कर रही हूँ किसी चीज़ का, वो मुझे भी लगा देख सकते हैं। मैं नाना के भाई हूँ, दिखाई देखा।
बहुत मतलब यहाँ पे आने के बाद ना फाइनली मैं यहाँ पे आके बैठी हूँ, और ये जिस देख रहे हैं ये मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन है। और एक बात बताऊँ, इसका अभी ना चैनल है, अभी न्यू बनाई है, तो वो अभी वीडियो डालना स्टार्ट नहीं की है। तो इतनी छोटी है, आपको मैं बता दूँ कि ये 10 साल की होगी। तो इसका जो ड्राइंग है वो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, इसको हम दिखाएंगे आपको, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा ये ड्राइंग करती है। पीछे में नाना चले गए, तो ये अभी डालना स्टार्ट करेगी अपने पे अभी, तो इसको मैं बताऊंगी कैसे क्या करना है, तो देखिएगा। मतलब इसका ड्राइंग दम सच में आर्टिस्ट है, ये देख के पता लगा लीजिएगा। है कह रही इतना नहीं है, है सच में है। यहाँ का मैं आपको पपीता दिखाई, खाने का मन कर दिया। और एक चीज दिखाई आपको, ये देखो ये कुछ दिख रहा है, रोज बर्ड है, बहुत ज्यादा ये खिलता है। इसको हम लोगों ने ही लगाया है, आज जाके इतना तड़प इतना बड़ा हुआ है। और यहाँ पे बहुत चीज आपको मिलेगा, बाप रे आप देख सकते हो। टाइम हुआ, कितनी छोटी 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 जो भी गौरैया होती है ना चिड़िया, वो आके पूरा बैठी है। रुकी मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए आराम से। देखिए दिख रही है, फुदक रही है, तो ये देखिए कितनी सारी है। मतलब ऐसा बोलते भी हैं कि गौरैया का होना शुभ माना जाता है, तो ये डेली शाम को आती हैं इसी हमारे नींबू के पौधे पे बैठती हैं।